न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक ब्यावर जिला ब्यावर के पीठासीन अधिकारी डॉक्टर वीनू नागपाल ने विजयनगर के बहुचर्चित 30 वर्षीय पुराने दीवानी प्रकरण भागचंद सोनी व अन्य बनाम माणक चंद जैन व अन्य की दीवानी अपील में काश्तकार को राहत देते हुए सिविल न्यायाधीश विजयनगर के फैसले को निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय को उक्त प्रकरण रिमांड करते हुए यह आदेशित किया कि उक्त प्रकरण में नए सिरे से साक्ष्य के आधार पर उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर नए सिरे से निर्णय पारित करें। गौरतलब है कि वर्ष 1974 में काश्तकार भागचंद सोनी ने पंपिंग सेट व बिजली की मोटर लगाने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा मसूदा से 4,000 रुपए का ऋण लिया था तथा 1974 में 500 रुपए खाद व बीज हेतु ऋण लिया था। समय पर ऋण नहीं चुका पाने के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा मसूदा ने राजस्थान एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशन एक्ट 1974 की धारा 6(3) के तहत उपखंड अधिकारी ब्यावर के समक्ष ऋण की वसूली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर उपखंड अधिकारी ब्यावर द्वारा उक्त बैंक द्वारा वादी को दिए गए ऋण की वसूली राशि की वसूली हेतु खेत में खड़ी फसल या अन्य किसी चल संपत्ति से ही आवेदन पत्र में वर्णित ऋण की राशि वसूल करने का अधिकार था, जबकि काश्तकार ने उक्त वसूली प्रकरण के लंबित रहते काश्तकार ने 2,800 रुपए नकद जमा करा दिए थे, किंतु शेष रकम वह जमा नहीं करवा पाया, जिस पर एसटीओ ब्यावर के कार्यालय से संबंधित कर्मचारी नायब तहसीलदार विजयनगर एवं राजस्व विभाग के अन्य संबंधित कर्मचारी व अधिकारियों पर माणक चंद जैन के अवैध साठगांठ और मिली भक्ति कर कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर उक्त माणक चंद जैन के हक में काश्तकार भागचंद की अमूल्य व बेशकीमती व भागचंद की आजीविका के साधन उसकी भूमि ही नीलाम कर दी, जिस पर काश्तकार भागचंद ने व्यथित होकर सिविल न्यायाधीश के यहाँ आज से 30 वर्ष पूर्व वाद किया था, लेकिन सिविल न्यायाधीश ने 28 वर्षों तक वाद चलने के बाद क्षेत्राधिकार के बिंदु पर उक्त वाद को खारिज कर दिया, जबकि सिविल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में तनकी संख्या 7 क्या एसटीएम ब्यावर को वादी की खड़ी फसल व चल संपत्ति की नीलामी से ही वसूली का अधिकार था, ना कि किसी अचल संपत्ति की नीलामी से, पर किसी प्रकार का विवेचन तथा निर्णय ही पारित नहीं किया गया। अपीलियत न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात काश्तकार के अधिवक्ता यज्ञेश शर्मा के तर्कों से सहमत होकर विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय को आदेश दिया कि उक्त तनकी के विषय में प्रकरण को नए सिरे से सुनकर निर्णय पारित करे। विजयनगर कोर्ट ने अपने एक आदेश में जो भागचंद सोनी काश्तकार था उसने अपने कृषि उपयोग के लिए खाद बीज और पंप सेट के लिए 4,500 रुपये लोन लिया, जिसकी करीब 2,800 रुपये उसने जमा भी करवा दिया, लेकिन अकाल पड़ने के कारण ये जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें जमा नहीं करा पाया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा मसूदा ने उसकी रिकवरी के लिए एसडीएम ब्यावर को लिखा। एसडीएम ब्यावर को उसके पंप सेट वगैरह जो भी थे कृषि संबंधी जो थी उससे वसूल करना था, लेकिन एसडीएम के तथाकथित वर्तमान में जो थे उन्होंने मिली भक्ति करते हुए माणक चंद जैन से एक फर्जी नीलामी की कार्रवाई शुरू की और कोड़ियों के दाम में जो कि जमीन नहीं थी कहीं भी नीलाम उसको नीलामी बता के और उसके नाम कर दी, और जो कि 6.5-7 बीघा जमीन थी जो बेचारे काश्तकार था जिससे उसको जीवन उपार्जन और अपने परिवार को पाल रहा था उसको फर्जी तरीके से करके उसको बेदखल करने की कार्रवाई कर दी। सिविल न्यायालय कनिष्कंद विजयनगर में करीब 28 साल तक मुकदमा चला, उस मुकदमे में क्षेत्राधिकार को मैन बहस बनाते हुए अपील खारिज मूल दावे ही खारिज कर दिया, जिसकी अपील ADJ साहब नंबर 1 में पेश हुई। वहाँ हमने ये तर्क रखा कि जब सिविल न्यायाधीश को एक टन की जो विचारण बिंदु था उसको यह तय करना था कि जो चल संपत्तियां थी उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसके पंप सेट वगैरह जो कृषि उद्योग है उसको नीलाम करना था, ना कि जमीन को, वो उस पर न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया और उस पर चुप रही। सारी स्थिति को बहस सुनने के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, तब न्यायालय ने अपर जिला न्यायाधीश संख्या एक ने आदेश दिया है कि ये पहले तय किया जाए कि जो संबंधित किसी भी जो समान था तंकी नंबर 7 के तहत जो SDO ने कार्रवाई की है उसको वापस सुन के उसमें करें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि SDM ब्यावर को वादी की खड़ी फसल अचल संपत्ति की नीलामी से ही वसूली का अधिकार था, न कि किसी अचल संपत्ति से, तो ये वापस भेजा गया है मामले को और पुनः सुनवाई करके ये तय की जाएगी। आज बहुत बड़ी किसान को राहत मिली है, काश्तकार को राहत मिली है।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय मैं शंभुदयाल पिता श्री भागचंद जी सोनी का पुत्र हूँ। मेरी जमीन विजयनगर सिखरानी पटवा क्षेत्र में मौजूद है। वहाँ उस जमीन पे सन 1974 में 4,000 रुपये मोटर के पंप सेट और मोटर के लिए और 500 रुपये खाद बीज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मसूदा से लोन लिया। उसकी रिकवरी में एसडीएम को मेरी चल संपत्ति नीलाम करनी थी और उन्होंने मेरी जमीन नीलाम करके 6.25 बीघा जमीन 36,000 में माणकचंद के नाम कर दी साठ गांठपुर। और उसका मुझे 28 साल तक विजयनगर कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ा। ब्यावर कोर्ट में आने पे मुझे राहत मिली और मेरी वापस सुनवाई चालू हुई और वकील साहब योगेश जी ने मेरा पूरा सहयोग किया और इसके लिए मैं बहुत बहुत गदगद और आभारी हूँ। आज मुझे न्याय मिला और आगे भी मुझे न्याय मिलने की पूरी संभावना है। आम सूचना व्यावसायिक भूखंडों को भव्य नीलामी से क्रय करने का सुनहरा मौका। नगर परिषद ब्यावर द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 शुक्रवार को समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना के निम्नलिखित भूखंडों को ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय किया जाएगा। नाम योजना व आरक्षित दर ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना आरक्षित दर 7,242 रुपए प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक भूखंड संख्या 24 से 28, क्षेत्रफल 4.5 मीटर × 9 मीटर बराबर 40.5 वर्ग मीटर, प्रारंभिक बोली 25,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अमानत राशि 30,000 रुपए। अतः जो भी व्यक्ति उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं वो पोर्टल जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन कर ऑनलाइन अमानत की राशि जमा करवा कर ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार की जाएगी। ई नीलामी की शर्तें पोर्टल पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पोर्टल पर देखी जा सकती है। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर।